हाय गाइस, वेलकम टू भारत टेस्ट गुरु। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमने इस वीडियो को इंग्लिश में भी बनाया है, पर जो छात्र हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। वन वर्ड्स डिनोटिंग साइंस एंड आर्ट। तो मैं इसमें उन बहुत सारे साइंस हैं और आर्ट है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र के, डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाई के, तो उनके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ जूलॉजी होती है, स्टडी ऑफ एनिमल को जूलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से मैं आपको सारे क्षेत्रों के, पढ़ाइयों के बारे में जो साइंस और आर्ट से रिलेटेड है आज मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। एक्वास्टिक यानी स्टडी ऑफ साउंड। तो एक्वास्टिक पहले के ज़मानों में नहीं होता था, आजकल क्या हो गया कि बहुत ही टेक्निकल आवाज़ें, साउंड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं गानों वगैरह में, तो इनकी जो पढ़ाई होती है उन्हें एक्वास्टिक कहते हैं। दूसरा है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स मतलब हुआ जो आर्ट ऑफ फ्लाइट होती है यानी उड़ना, उसके साइंस को एरोनॉटिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, वो सोचते हैं फ्लाई करना को एरोनॉटिक्स कहते हैं। तो एरोनॉटिक्स किसी भी आप एयरप्लेन स्पेस में जाना चाहें तो रॉकेट, किसी मतलब आर्ट ऑफ फ्लाइट को के साइंस को एरोनॉटिक्स कहते हैं। एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब जो आंखों को आकर्षित करे, तो आंखों को आकर्षित करें उसे जैसे फाइन आर्ट से कर सकते हैं, क्राफ्टिंग से कर सकते हैं, तो उसकी फिलॉसफी यानी उसकी पढ़ाई को वो एस्थेटिक्स कहते हैं। एग्रोनॉमी। एग्रो मतलब होता है कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, एग्रो वहाँ से वर्ड आया है, यानी कि आपकी ये आपके फील्ड क्रॉप से रिलेटेड है। तो एग्रोनॉमी मतलब होता है साइंस ऑफ सॉयल मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भारत में बहुत तरह के सॉयल अवेलेबल हैं और हर सॉयल किसी एक प्रकार की खेती के लिए ये है के लिए मतलब उसमें उस प्रकार की खेती ही की जा सकती है। तो उस चीज़, उस साइंस को पढ़ना और जानना कि किस तरह के सॉइल में कैसा मतलब कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है या फिर उसमें प्रोडक्शन फील्ड को आपके कैसे बढ़ाई जा सकते हैं, इसको हम लोग एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। एल्केमी। तो ये पहले के ज़माने में जो केमिस्ट्री पढ़ा किया करते थे उनका अपना एक पीरियोडिक टेबल हुआ करता था, अपने साइन होते थे, तो वो उस समय के जो केमिकल्स पे बनता था तो काफ़ी छोटा था और उस समय की केमिस्ट्री को हम लोग एल्केमी कहते हैं। अब अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगी तो मैं ऐसे दे सकती हूँ कि उस समय क्या होता था कि ज़्यादातर प्रैक्टिकल नहीं थियोरेटिकल अप्रोच होता था केमिस्ट्री के थ्रू। आजकल जिस तरह से साइंस ने डेवलपमेंट की है, हम केमिस्ट्री को काफ़ी अलग तरीके से पढ़ रहे हैं और अलग तरीके से जानते हैं। एनाटॉमी। एनाटॉमी का अर्थ होता है द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन। मतलब स्ट्रक्चर, आप एक एनिमल के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो एनिमल एनाटॉमी में पढ़ेंगे, प्लांट के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो किसी भी, चाहे वो एनिमल, प्लांट या ह्यूमन के अगर आप स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप पढ़ते हैं मैनकाइंड, मतलब कि इंसान का ओरिजिन कैसे हुआ, वो किस तरह से इवॉल्व हुआ यानी किस तरह से बदला, उसका कल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं। आपको एंथ्रोपोलॉजी में कंपैरिजन भी होता है जिससे आप हर जगह की जनजाति में कैसा क्या नियम है या क्या किस तरह से वो शादी विवाह करते हैं, किस तरह से उनका खाना पीना ये रहता है, ये सब चीज़ें आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इससे आपको एक समझ में आता है कि किस तरह से दो प्रजातियाँ, दो जातियाँ एक दूसरे में किस तरह से लिंक्ड है ग्लोबली। अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर का अर्थ होता है कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल। कल्टिवेशन ऑफ ट्री और वेजिटेबल मतलब कि आप पेड़ों को उगाना और सब्जियों को उगाने की विधि को समझते हैं या पढ़ते हैं उसमें। एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का अर्थ होता है आप ग्रहों की दशा को देखकर
इंसान के बारे में प्रिडिक्शन कह रहे हैं, उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं यहाँ पे, सॉरी, इंडिया में। और जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो ग्रहों को पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत एशियंट साइंस है और भारत में इसका इजाद हुआ था। और ऑल्सो मैं इसमें बताऊं कि आपको कि जो आर्यभट्टा थे वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे मैथमेटिशियंस के साथ। दूसरा है बैक्टीरियोलॉजी, यानी आप इसमें बैक्टीरिया की पढ़ाई करते हैं। बैक्टीरिया बहुत प्रकार की होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपके बॉडी में भी अवेलेबल हैं, तो इन सब की पढ़ाई आप बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। बॉटनी, आप इसमें पेड़ पौधों की पढ़ाई करते हैं। कैलीग्राफी, मतलब खूबसूरत लिखने की पढ़ाई करना, या उसको आर्ट, उस आर्ट को कैलीग्राफी में पढ़ते हैं। अब कैलीग्राफी के बारे में बताऊं कि जब हमारे आप अगर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ें इंडिया का, या फिर बाहर भी कहीं अगर मेडिवल हिस्ट्री आप किसी भी वर्ल्ड का भी पढ़ें, तो आप ये जानेंगे कि उस समय ये काफ़ी प्रचलित था। और ये कैलीग्राफी हर भाषा में होती थी। और जब हमारे यहाँ मुगल आए थे तो वो कैलीग्राफी का बहुत अच्छा, पेंटिंग्स वगैरह अपने महलों में, या फिर आप अगर ताजमहल जाए तो ताजमहल के अंदर आप सारी दीवारों पे देख सकते हैं कैलीग्राफी। अगर आप स्टीव जॉब का एक बहुत फेमस स्पीच है अगर वो सुने, तो उन्हें भी कैलीग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट था। इनफैक्ट उन्होंने अपने भाषा में कहा था कि उन्होंने ये मैकिंटॉश जो कंप्यूटर उन्होंने बनाया था, उसमें उन्होंने कैलीग्राफी का इस्तेमाल भी किया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाई होती है इसकी। सेरेमिक्स पोट्री, सेरेमिक पोट्री इंडिया में ही, मतलब पोट्री का जो है वो इंडिया में ही ईजाद हुई थी। ये हड़प्पन मोहनजारो के टाइम पर इंडिया में पोट्री शुरू हुई थी। अभी भी अगर आप देखें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को ये किया है कि मतलब पहली बार पोटरी का इस्तेमाल उस समय हुआ था। और इसमें क्या करते हैं, इसमें क्ले से आप सामानों को बनाते हैं। अब पहले तो आर्ट था, आर्ट के हिसाब से बनाया जाता था। अब टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है, कलर करते हैं या कट्स बनाते हैं या बहुत एलिगेंट बनाते हैं, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है। तो इसकी पढ़ाई को पोटरी या सेरेमिक्स कहते हैं। क्रोनोबायोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी में आप स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, मतलब समय, इंसान के जिंदगी की में जो समय है, जो ड्यूरेशन है, उसको आप पढ़ रहे हैं। क्रोनो का मतलब होता है समय, बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ, तो आप उसको पढ़ रहे हैं। मतलब कि इस समय मतलब एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, उस चीज को पढ़ना क्रोनोबायोलॉजी होता है। क्रोनोलॉजी मतलब साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम एंड पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बोला, क्रोनो का मतलब होता है समय और लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई, मतलब आप समय की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर इसमें इतिहासकार वगैरह इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें, या फिर कुछ कुछ पैरेंटोलॉजिस्ट हुए, या फिर जो कि जो मतलब जो पिछले समय चला गया है उसको वो अरेंज करते हैं कि किस वक्त क्या हुआ होगा, स्टोन एज कब हुआ, फिर अर्ली स्टोन एज, फिर मॉडर्न एज कब आया, या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो एशियंट हिस्ट्री से है, कौन मेडिवल हिस्ट्री से है। तो उस समय के अनुसार उन चीज़ों को सेट करते हैं, उन्हें क्रोनोलॉजी कहते हैं। क्रोमैटिक्स मतलब फायर वर्क बनाने की ये कला को हम लोग क्रोमैटिक्स कहते हैं। और ये इंडिया में काफ़ी प्रचलित है, वो इसलिए क्योंकि हम ज़्यादातर सारे ही अपने, मतलब वो धर्म कोई भी हो, अगर कोई त्यौहार है तो हम कोशिश करते हैं फायरवर्क्स का इस्तेमाल करने, यानी आप फटाके वगैरह ये करने के, तो वो क्रोमैटिक्स उसको बनाने को कहते हैं, फटाके बनाने की विधि को। कॉस्मोगोनी द साइंस ऑफ द नेचर ऑफ द हेवनली बॉडीज। कॉस्मो का मतलब होता है हेवनली बॉडीज, और गोनी का मतलब होता है उसके नेचर को पढ़ना, या उसके साइंस, उसके अंदर क्यों ऐसा हो रहा है उसको पढ़ना। तो ये एक्चुअली ये एक तरह से जितने भी हेवनली बॉडी है उसका पढ़ते हैं हम लोग, स्पेस के बारे में जानने के लिए, प्लैनेटरी मूवमेंट के बारे में जानने के लिए, कब कौन सा ग्रहण वगैरह लग रही है, इस चीज़ के बारे में। तो कॉस्मोगोनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और बहुत पहले से नासा भी इसके ऊपर वर्क करती है, हमारा इसरो भी इसके ऊपर वर्क करता है। तो इस ये काफ़ी हेल्प करती है हमें चीज़ों को समझने के लिए, आकाश गंगा के बारे में।
कॉस्मोग्राफी द साइंस दैट डिस्क्राइब एंड मैप्स फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो जिस तरह से मैंने बोला था कि अगर हम इसको क्यों ऐसा हो रहा है ये पढ़ते हैं इसमें, तो क्या हुआ ये पढ़ते हैं कॉस्मोग्राफी में। मतलब आप जो किस चीज़ की वजह से क्यों, मतलब मान लीजिए कि अगर किसी तरह का ग्रह का कुछ में कुछ हुआ और उसकी वजह से कुछ मोमेंट चेंज हुई, तो ये हम ग्राफी में, ग्राफी मतलब उसके ग्राफिक्स में, उसके ये में देखेंगे किस तरह का चेंज हुआ, किस तरह का मैप बना या किस तरह का फीचर अलग हुआ। तो इन चीज़ों को हम लोग कॉस्मोग्राफी में पढ़ते हैं। कॉस्मोगोनी और कॉस्मोग्राफी आपस में आपस में काफ़ी रिलेटेड है और एक दूसरे पे इफेक्ट भी रखती हैं। कॉस्मोलॉजी साइंस ऑफ द नेचर ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी में हम लोग यही पढ़ते हैं कि भाई यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ। जैसे आपने पढ़ा हुआ बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ा है, मिल्की वे गैलेक्सी कैसे बना, तो किस तरह से वो स्पेस के बारे में, स्पेस कैसे बना, ये बना, ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। क्राइनोजेनेसिक्स ये एक नई तरह की स्टडी आई है जो कि आपके स्लो टेम्परेचर में बॉडी का कंट्रोल कैसा है, प्रोडक्शन कंट्रोल कैसा है, एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, इस साइंस को पढ़ने की कोशिश करता है। ये काफ़ी अभी भी विवाद में है और ये अभी भी चल रहा है। ये एक्चुअली पुराना साइंस है क्योंकि अगर आपको पता हो तो ये साइंस का यूज़ महाभारत के टाइम भी हुआ था, बट ये अभी इस पे रिसर्च चल रही है। खाइपा इसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। तो ये पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा होते थे तो वो लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे आपस में संदेश का आदान प्रदान करने के लिए। अभी के समय भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे स्पेशल जो सीक्रेट टास्क होते हैं, हमारी सीक्रेट एजेंसीज हैं, CBI है, रॉ है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे सीक्रेट राइटिंग का बहुत मायने रखता है, वो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। पर ये अब उतना मतलब प्रचलित नहीं है जैसे पहले था। साइटोलॉजी मतलब सेल्स की पढ़ाई करना, उनका फंक्शन कैसे होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। डैक्टिलोग्राफी मतलब कि हम लोग इसमें फिंगरप्रिंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिंगरप्रिंट्स हो गया आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में आता है, और आप अगर ध्यान दें तो आपको पता होगा आपने आधार कार्ड अगर बनवाया हो तो उसमें आपने ये दिया होगा। तो क्राइम को सॉल्व करने के लिए, पॉपुलेशन को ये आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व, सिस्टम लाने के लिए, ये अभी गवर्नमेंट ने ये किया हुआ है कि आधार कार्ड वगैरह बनवाएं। तो ये फिंगरप्रिंट्स की वगैरह पहले भी इनकी पढ़ाई होती थी, पर अब वो पढ़ाई सिर्फ पुलिस के लोगों या फिर सीक्रेट सर्विसेज या फिर मतलब गवर्नमेंट ओरिएंटेड चीज़ों पे होती थी, पर ये काफ़ी जनरल हो गया क्योंकि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन बहुत सारी कंपनियां भी लेती हैं। अगर कोई IBM वगैरह में वर्क कर रहा हो तो IBM बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन लेती है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं। डैक्टिलोलॉजी मतलब हुआ हाथों से साइन करना, ये जो लोग सुन नहीं सकते ये अपने अपनी बात को या समझने के लिए उनको हाथों से बताना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसे छात्र हैं जो पुराने वक्तों में अगर ये देखते थे DD1 वगैरह, तो आप अगर वो देखें तो उसमें आप देखेंगे कि एक लड़की होती है जो न्यूज़ के सामने अपना हाथ डेस्क के लिए हाथ में न्यूज़ बोलती हैं। तो ये अभी मुझे पता नहीं ऐसा न्यूज़ में करते हैं कि नहीं, पर पहले ऐसा करते थे। अभी भी साइन, बहुत सारे साइन हैं जो ऐसे ही रहते हैं, मतलब फिंगर्स से बने हुए, ताकि डेफ जो है, जो सुन नहीं सकते, वो भी इनको समझ सके। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब होता है एक्चुअल में नंबर ऑफ डेथ और बर्थ से किसी भी जगह को रिकॉर्ड्स रखना, या कि वो कितना यंग है या कितने लोग कितने पॉपुलेशन के अंडर हैं। तो किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड अगर डेथ से या बर्थ से हम लोग लेते हैं उसे डेमोग्राफी कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो अभी अगर इंडिया का डेमोग्राफी देखें तो देखा जाता है कि 65% लोग जो हैं वो 35 साल से नीचे में हैं। इसलिए बोलते हैं इंडिया इज़ अ यंग कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी 35 साल से छोटी है या कम है। तो इसलिए हमारा जो एक्सपेक्टिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है। तो ये एक डेमोग्राफी एग्जाम्पल हुआ।
इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब होता है एनिमल्स और प्लांट और जो आसपास है सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उनसे जो रिलेशन है उसे इकोलॉजी कहते हैं। अगर आप याद करें तो आपको एक पिरामिड होगा, स्कूल टाइम में आपने देखा होगा कि इंसेक्ट्स को चूहा खाता है, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को ये खाता है। तो इस तरह से इकोलॉजी में एक चीज़ दूसरे चीज़ का आहार बनती है या एक दूसरे एक चीज़ से रिलेटेड होती है, ये सारी चीज़ों की पढ़ाई हम लोग इकोलॉजी में करते हैं। एंटोटॉमी मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट्स को पढ़ना एंटोमोलॉजी होता है। एपिग्राफी मतलब इंस्क्रिप्शन पढ़ना, इंस्क्रिप्शन मतलब हुआ बहुत पुराने के टाइम पे इंस्क्रिप्शंस होंगी, गुफाओं पे मिलती है, मंदिरों पे मिलती है या कोई इमारतों में मिलती है, तो उसे एपिग्राफी कहते हैं। एंथोलॉजी मतलब ह्यूमन रेस की पढ़ाई करना, पहले कुछ कुछ स्पेसिफिक रेसेस ही होते थे, मंगोलिया या फिर द्रविडियंस, इस तरह से बहुत सारे रेस हैं, तो कुछ 10 या 12 रेसेस होते हैं, तो उन सब की पढ़ाई को एंथोलॉजी कहते हैं। एथोलॉजी मतलब होता है एनिमल बिहेवियर पढ़ना, मतलब कोई एनिमल किस तरह की सिचुएशन में क्या करता है, उसका जीवन काल में वो किस समय क्या करता है, इस एनिमल बिहेवियर को पढ़ना एथोलॉजी होता है। एंटाइमोलॉजी इटाइमोलॉजी इज नथिंग बट ओरिजिन ऑफ स्टडी ऑफ ओरिजिन हिस्ट्री ऑफ वर्ड। तो क्या होता है कि बहुत जैसे जैसे मतलब जब ओरिजिन हुआ ह्यूमन काइंड का, धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ी, धीरे धीरे आपस में कोलैबोरेशन हुआ, तो हर भाषा एक दूसरे भाषा से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जैसे कि हम कहते हैं कि हिंदी संस्कृत में से, हिंदी जो है वो संस्कृत से निकली है, या कहते हैं कि जो उर्दू है उसमें अरबी है, हिंदी मिक्स है, कहते हैं कि इंग्लिश में काफ़ी संस्कृत वर्ड्स हैं, तो इनके ओरिजिन कोई वर्ड्स कहाँ से ओरिजिन हुए, ये और लैटिन भाषा से, ग्रीक से, इन सब की पढ़ाई को हम लोग एटिटोमोलॉजी कहते हैं। यूजेनिक्स मतलब कि हम लोग उसमें ये पढ़ते हैं कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स को देख के, उनकी जेनेटिक्स को देखने के लिए केयरफुल सेलेक्ट करके हम लोग एक अच्छा ऑफस्प्रिंग बनाना चाहें, उसको प्रोडक्शन करने की पढ़ाई को हम लोग यूजेनिक्स कहते हैं। मतलब एक तरह का हो गया हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम चुन रहे हैं कि किस किस पेरेंट्स को मिला के हम एक अच्छा ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसकी पढ़ाई को यूजेनिक्स कहते हैं। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी मतलब होता है द साइंस ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन वर्कर्स। आजकल क्या है, बहुत सारी एमएनसी कंपनीज हैं जहाँ पर समय की कोई पाबंदी नहीं होती, आप दिन भर काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, इन्वायरमेंट काफ़ी होता है, अगर ज़्यादातर देखें तो जो कॉल सेंटर्स वगैरह है वह रात में शिफ्ट चलती है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं जो आईटी कंपनीज उनको देती हैं, तो इस पे जो जो इफ़ेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट का उन वर्कर्स पे, तो उस चीज़ की पढ़ाई को उस एमएनसी आजकल करती है ताकि वो समझ सके और अच्छे से और अच्छा प्रोवाइड कर सके अपने एम्प्लॉयज़ को, इसको एर्गोनॉमी कहते हैं। जीनियोलॉजी मतलब कि आप अपनी फैमिली की हिस्ट्री या एंसेस्ट्री कहाँ कहाँ से आप आए हैं इसको आप पढ़ रहे हो। ये एक्चुअल तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, हर इंसान को अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता रहता है, पर जैसे फेमस हो गए, फेमस लोग हो गए कि जैसे हम पढ़ रहे हैं कि इंदिरा गांधी के परिवार वाले कश्मीर से आए थे, या फिर कश्मीर से आगे कब कहाँ थे, इलाहाबाद कैसे आए, तो इन सब मतलब ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे की एक किसी फैमिली की हिस्ट्री को समझना, ये हिस्ट्री को पढ़ना या जानना को ज़्यादातर फेमस लोगों के ऊपर होता है, अगर पढ़ते हैं समझते हैं तो उसे जीनियोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स मतलब होता है जीन्स की पढ़ाई, हेरिडेटरी क्या होते हैं और कैसे बच्चा जो है क्या उसमें क्या जीन आएंगे, जैसे है अगर माँ के बाल सफ़ेद हैं और पिता के बाल, मतलब कोई अगर अंग्रेज है और या कोई पिता इंडियन है, तो बच्चे में कौन से रंग के हेयर आएंगे, ये सब चीज़ों की पढ़ाई हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं। जियोलॉजी मतलब होता है आप इसमें अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ कैसे बना ये पढ़ते हैं, तो जियोलॉजी की पढ़ाई ये है। जिमनास्टिक, जिमनास्टिक मतलब कि होता है एक्रोबैटिक फीट्स, मतलब आप परफॉर्म कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के एक्रोबैटिक्स, उसको कहते हैं जिमनास्टिक। हेलियोथेरेपी द सन क्योर,
तो सन क्योर का क्या है कि आप उस सन के द्वारा अपने आप को कैसे हील करते हैं, इसको आप हेलोथेरेपी में पढ़ते हैं। सन में आप जानते होंगे विटामिन डी है और बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, और एक स्पेसिफिक समय में उनसे बहुत सारी, मतलब समय होता है जिस वक्त आप अगर उस हीलिंग चीज थेरेपी को करें तो बहुत लाभ होता है। तो इसके ऊपर जो पढ़ाई होती है उसे हीलियोथेरेपी कहते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब आप टिश्यू के बारे में पढ़ाई करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि सेल की, एक साथ बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से मसल्स बनते हैं। तो सेल की पढ़ाई जैसे मैंने बताया साइटोलॉजी होती है, वैसे टिश्यूज की पढ़ाई हिस्टोलॉजी होती है। हॉर्टिकल्चर, इसमें आप फल फूल पौधे सब्जियां या फिर क्या बोलते हैं वो, हम गुलदस्ते बनाते हैं उनके लिए, फूल आते हैं, प्लांट्स आते हैं बहुत सारा के, उन सब की कल्टीवेशन करते हैं को सीखते हैं या पढ़ते हैं, उसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हाइड्रोपैथी मतलब कि आप पानी के द्वारा अंदर या बाहर की बीमारी का ट्रीटमेंट को पढ़ते हैं इसमें, और जिससे आपको इस थेरेपी को देख के आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, इसे हाइड्रोपैथी कहते हैं। होगियोलॉजी, इसको हम लोग सैंट्स जो हैं, स्पेशली ये क्रिश्चियनिज्म से रिलेटेड है। तो अगर जैसे बहुत सारे सैंट थे, टेरेसा, सेंट टेरेसा, मदर टेरेसा भी सैंट है, तो उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ना को हैगियोलॉजी कहते हैं। आइकोनोलॉजी, आजकल जो है बहुत सारे चैट ग्रुप आते हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गए, जिसमें सिंबल होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो सिंबल कैसे आए, किसी ने उसकी पढ़ाई की है, कौन सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, इस पे उन्होंने रिसर्च किया है और उसके बाद उस चीज़ को प्रोड्यूस किया है। तो इन सब पढ़ाई को, इस चीज़ों को आइकनोग्राफी कहते हैं। जूरिसप्रूडेंस मीन्स वह साइंस, द साइंस ऑफ लॉ, मतलब कौन सा लॉ कब बनेगा। अगर हम कहते हैं कि 18 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, क्यों बनेगा, तो उस लॉ को बनने के पीछे क्या कारण है, उसकी पढ़ाई को हम लोग जूरिसप्रूडेंस कहते हैं। प्रूडेंस। लेक्सिग्राफी, द राइटिंग ऑफ कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज, मतलब कि डिक्शनरी एक भाषा से होती है, ठीक है, जैसे कि, और उसको उस राइटिंग और उस भाषा को या उस डिक्शनरी लोगों को साथ में लाने को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। हर सब्जेक्ट, हर भाषा में की अपनी डिक्शनरी होती है, और वो भाषा की डिक्शनरी एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड होती है, क्योंकि कुछ फ्रेंच वर्ड जाके इंग्लिश बन जाते हैं, या फिर कुछ जैसे मैंने आपको बढ़ाया कि कोई भाषा कहीं से भी आ जाती है। तो राइटिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज इज कॉल्ड लेक्सियोग्राफी। न्यूमिस्मैटिक्स मतलब द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल, इसमें हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शौक होता है कि वो मेटल, वो कॉइन्स कैसे बने और कौन से मेटल से बने। पहले जो होते कॉपर के कॉइन्स चलते थे, अभी अब जो है मेटल अलग है, तो सिल्वर कॉइन्स होते थे, गोल्ड कॉइन्स होते थे। तो उन स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स को हम लोग न्यूमेस्टिक्स बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स, आप बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवन काल के बारे में पढ़ते हैं, उनके उनके मतलब आपको पता हो कि बर्ड्स एक तरह, एक जगह हैबिटेट नहीं करते, मतलब एक जगह नहीं रहते, वो उड़ के कई दूसरे जगह भी जाते हैं। तो इन सब, वो अपने जीवन काल में जो जो करते हैं उन सब की पढ़ाई वो ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। और ओडोंटोलॉजी में हम लोग टीथ के बारे में यानी दांतों के बारे में पढ़ाई करते हैं, और ओडोंटोलॉजी डेंटिस्ट मतलब डेंटल केयर का एक पार्ट है। ऑर्थोपेडी मतलब हुआ आपका करेंट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो क्या है कि मदर टंग इन्फ्लुएंस होता ही है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंडियन वर्ड्स नहीं हैं, जो मैं भी पढ़ भी रही हूँ, जहाँ प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं गलत है, कहीं कहीं सही है। तो प्रोनाउंसिएशन का क्या है कि जो उस भाषा में जिसको बनाया गया, उस भाषा में उस चीज़ को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उसकी स्टडी को ऑर्थोपी कहते हैं। और इसमें हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं। पेडाजॉजी इट मीन्स द आर्ट ऑफ मेथड टीचिंग, मतलब ये आप अगर बीएड के बोले कि बीएड में हम पढ़ते हैं कि कैसे पढ़ाना है, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। पेडालॉजी, पेडाजॉजी में हम लोग कैसे पढ़ाना है ये सीखते हैं। पेट्रोलॉजी, ये जियोलॉजी का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग रॉक के बारे में या फिर
ये आपके अर्थ के बाहरी सतह के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बाहरी सतह में ही रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं। फिलाटेली मतलब हुआ आपका पोस्टेज। पहले के रेवेन्यू स्टैम्प और पोस्टेज काफ़ी अलग होते थे, कोई विशेष अवसर पर अलग पोस्टेज या अलग स्टैम्प बनते थे, तो उनकी कलेक्शन या उनकी पढ़ाई को हम लोग फिलाटेली बोलते हैं। फाइलोलॉजी मतलब आप रिकॉर्ड्स के बारे में और वो कितने सही हैं कि वो रिकॉर्ड्स, उसकी पढ़ाई करते हैं, तो उसे फिलोलॉजी कहते हैं। ज़्यादातर उन लोगों के लिए होती है जो कि इतिहासकार होते हैं, या फिर किसी अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो किसी जैसे जीजस क्राइस्ट वगैरह के बर्थ के बारे में, ये के बारे में काफ़ी रिकॉर्ड्स रखे गए थे, तो उसकी वो सच हैं या गलत हैं या किसी ने बना दिया, ये सब चीज़ की पढ़ाई फिलोलॉजी में होती है। फोनेटिक्स मतलब आप साउंड प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, ये सब इसमें पढ़ते हैं। फोनेटिक्स मतलब जो भी कोई साउंड होती है तो उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, कैसे रिसेप्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो लोग माइक चेक करते हैं, हेलो करते हैं, तो हेलो मतलब उन वर्ड को कैसे ट्रांसमिट किया जा रहा है, रिसेप्ट कैसे किया जा रहा है, इन चीज़ों की पढ़ाई हम लोग ये में फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में करते हैं। फिजियोगनॉमी मीन्स मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस, हर फेस किसी जानवर से इवॉल्व होके आया है, क्योंकि हम लोग सब डार्विन थ्योरी के हिसाब से सब जानवरों का इन्वॉल्वमेंट होते होते ह्यूमन बींग्स तक आए हैं, तो फिजियोगोनॉमी में हम लोग ये पढ़ते हैं। पैलियोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ एशियन राइटिंग। अभी की राइटिंग अगर आप देखेंगे तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल एशियन तमिल अलग होते लैंग्वेज अलग है, एशियन संस्कृत अलग है, बहुत सारे एशियन लैंग्वेज है, उड़िया भी एशियन लैंग्वेज है, तो उस समय की जो एशियन हैंड राइटिंग थी या लिखते से राइटिंग, अब ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो उड़िया में मुड़ी हुई लिपि का इस्तेमाल करते हैं, तो सब तरह की जो रोमन ये है, तो ये इन सब एशियन राइटिंग्स के बारे में पढ़ाई को पेलियोग्राफी कहते हैं। रियोट्रिक मतलब कि अच्छी बात करने की कला को या लिखने की कला को सीखने को रियोट्रिक कहते हैं। सेरीकल्चर, ये शायद इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, सेरीकल्चर मतलब होता है सिल्क वॉर्म, कैसे रॉ सिल्क बनाते हैं उसको पढ़ना, ये पढ़ के इसकी खेती की जाती है सिल्क की। सिस्मोलॉजी, ये भी जियोलॉजी का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग सिस्मोलॉजी मतलब अर्थक्वेक कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, और कैसे इन्हें अवॉइड किया जा, अवॉइड तो नहीं किया जा सकता है, पर उनसे अर्थक्वेक से आजकल बहुत सारे मकाने बन रहे हैं जो अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं, तो ये सब चीज़ों की पढ़ाई इसमें सिस्मोलॉजी में होती है। स्पीलोलॉजी मतलब केव्स, केव्स आपको बहुत चीज़ें बता सकते हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में, और आप अगर देख सुने आप अगर आपने सुना होगा जनता और लॉरा के क्लिप्स में काफ़ी पेंटिंग्स है, तो मतलब आपको उस समय क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे सकते हैं, तो स्टडी ऑफ केव्स इज कॉल्ड स्पेलोलॉजी। टेलीपैथी मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड्स विद सम अदर माइंड, मैंने अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर गुस्से हैं या अगर किसी से नाराज़ है, तो अगर आप चुपचाप बैठेंगे तो आप सामने वाले अरे ये तुम उदास क्यों हो आके ऑटोमेटिकली अगर कोई आके पूछ दे, तो ये बहुत नेचुरल चीज़ है, टेलीपैथी होती है, और ये ज़्यादातर फेशियल एक्सप्रेशन पे होती है, आपको पता चल जाएगा कौन उदास है कौन खुश है, तो इस कॉल माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ, ये मैंने सबसे पहले बताया था, तो इसके साथ ही अब मैंने शायद सारे स्लाइड्स को कवर कर लिया है, तो होपफुली ये हेल्पफुल हो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।